हिंदी दुर्वा पाठ 23 हाथी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कक्षा 6। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रश्न एक, कविता की अधूरी पंक्तियां पूरी करो। उत्तर एक, क सूंड उठाकर हाथी बैठा, त पक्का गाना गाने, ख बड़े मौज से भीतर बैठा, ख मच्छर गाना गाता, ग हमें बता दो इन दोनों में, ग अच्छा कौन गवैया। प्रश्न दो, कविता के आधार पर बताओ। उत्तर दो, क हाथी सूंड उठाकर किस लिए बैठा, क हाथी सूंड उठाकर गाना गाने के लिए बैठा, ख हाथी के कान क्यों बज उठे, ख कान में मच्छर घुस जाने के कारण हाथी के कान बज उठे, ग मच्छर कहाँ बैठकर गाना गा रहा था, ग मच्छर हाथी के कान पर बैठकर गाना गा रहा था। प्रश्न तीन, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। उत्तर तीन, क हाथी गाना गाने के बदले तबला क्यों बजाने लगा, क अपने कान के अंदर बैठे मच्छर को निकालने के लिए हाथी तबला बजाने लगा, ख वाक्य के खाली स्थान को अपनी कल्पना से भरो। नंबर एक, जंगल के पेड़ों के बीच बैठकर कान हिलाता हाथी रिक्त स्थान जैसा दिखता था, क कार्टून, ख खिलौना, ग मूर्ति। नंबर एक, जंगल के पेड़ों के बीच बैठकर कान हिलाता हाथी कार्टून जैसा दिखता था। नंबर दो, मच्छर जब हाथी के कान के भीतर बैठकर गाना गा रहा था, उसके गाने को रिक्त स्थान सुन रहा था, क हाथी, ख जंगल, ग कोई नहीं। नंबर दो, मच्छर जब हाथी के कान के भीतर बैठकर गाना गा रहा था, उसके गाने को हाथी सुन रहा था।